मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट फाइव। पार्ट का नाम क्या है? रोबोट। क्या नाम है? रोबोट। रोबोट आपने देखा होगा, एक चित्र में देखो, दिख रहा है ना? हाँ। इस पार्ट का परिचय ऐसा है कि रोबोट के बारे में तुमने सुना होगा या देखा होगा। कहाँ पे? टीवी पे। टीवी पे देखा कि नहीं देखा? देखा है। रोबोट एक क्या है? यंत्र मानव है। क्या है? यंत्र मानव है। और वो मनुष्य के तरह क्या करता है? पूरा काम कर सकता है। इस पार्ट में रोबोट का चित्र दिया गया है। इस चित्र में आपको कुछ वर्णमाला और कुछ स्वर भी दिए हैं, लेखन किए गए हैं। देखो, अभी हिंदी में प्रश्न दिया है, इसमें हिंदी वर्णमाला के स्वर कितने हैं? हिंदी में स्वर कितने हैं? 15 है। कितने हैं? 15 है। कौन कौन से हैं? देखो, ओ आ ई ई ऊ रू ये ऐ ओ औ अम आ आहा आहा। ऐसे कितने स्वर है? 15 स्वर है। कितने स्वर है? 15 स्वर है। वो लिखना है कॉपी में। प्रश्न दूसरा, हिंदी में व्यंजन कितने हैं? कितने हैं? 33 है, 33 है। कितने हैं? 33 है। वो कौन से? जैसा क ख ग घ ड च छ त थ द न प प फ व, ऐसे जो है पूरा आपको लिखना है। इस प्रकार इस पाठ में दिए व्यंजन और स्वर आपको लिखना है और चित्र भी निकालना है। इस तरह और ये का जो रोबोट का चित्र है वो अपने कॉपी में भी लिखना है, निकलना है पेंसिल से, और उसमें क्या करना है, अगर उचित रंग भरो, नहीं तो उसके अंदर क्या लिखो? स्वर व्यंजन लिखो। और एक प्रश्न दिया है इसमें आपको कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? प्रश्न तीसरा, संयुक्त व्यंजन कौन से? देखो, संयुक्त व्यंजन कौन से है? श, त्र, न और क्या है? स्र। ऐसे चार संयुक्त व्यंजन है। कितने व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन 4 है। इस प्रकार आपको अपने कॉपी में ये सब प्रश्न पहला दूसरा तीसरा लिख लेना, चित्र भी निकाल लेना। कल अपन देखेंगे जुड़े हम। क्या देखेंगे? जुड़े हम।